I'm joined by Sri Jairam Thakur. Uh, soon after he's uh, tendered his resignation, sir, so many thanks for joining us. Sir, आज अभी आप अपने uh, resignation tender कर कर आ रहे हैं. क्या दिमाग में चल रहा है इस वक्त? नहीं दिमाग में कुछ नहीं. एक जिम्मेदारी थी. उस जिम्मेदारी से आ, जो नया जनादेश आया है, उसका मैं आ, उसको स्वीकार करता हूँ, gracefully और आ, मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए हम रहेंगे हमेशा। हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े इस बात के लिए हम काम करते रहेंगे लेकिन आ, मन में किसी प्रकार का कोई आ, ये नहीं है बोझ नहीं है और मैं ज़रूर हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का उनका स्नेह उनका प्यार मुझे हमेशा मिला और केंद्रीय नेतृत्व तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गृह मंत्री अमित शाह जी का उनका सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमने जो काम किया वो लोगों के बीच में है कि कहीं कहीं पूरी कैंपेन में रिवाज बदलने की बात करी गई तो लेकिन अभी आप मोटे मोटे तौर पर आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत अभी कुछ हम जल्दी मैंने कुछ कहेंगे मैं यही कहूंगा कि अभी हम सब विश्लेषण करेंगे विश्लेषण करने के बाद हम आगे बढ़कर विचार करेंगे क्या उसमें कमी रही है और उन कमी को सुधारने की जहाँ जिस रूप में गुंजाइश निकल आती है तो उसको भी करेंगे जी और कहीं ना कहीं रेबल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती डे वन से ही कैंपेन में ये रेबल फैक्टर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जूझती रही है इससे तो आपको लगता है कि ये भी एक प्राइमरी रीजन था जिसकी तो वजह से मैंने कहा कि इन चीज़ों पर हम आकलन करेंगे लेकिन ये बात सत्य है कि अब की बार नंबर बहुत ज्यादा था रेबल्स का जिनके कारण हमारा चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ है निश्चित रूप से जी और एक बात ये बताइए सर अब कांग्रेस अभी से ये दावा करने लगी है कि कहीं कही ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग और पोचिंग की बात कर रही है कांग्रेस भी भी उनका ये भी कहना है कि वो अब अपने एम को शायद चंडीगढ़ ले जाए रायपुर ले जाए हालांकि वो कांग्रेस की लीडरशिप का सवाल है लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग और पोचिंग के क्लेम्स के बारे में क्या कहेंगे क्योंकि कल से ही कांग्रेस का कहीं कही ना कहीं ये कहना रहा है देखो उनके आकलन उनका डर मैं समझता हूँ कि अभी जो है वो बेवजह का है हमने तो रेजिग्नेशन दे दिया है हमने जनमत को स्वीकार किया है और उसके बाद हम तो कह रहे हैं कि सरकार आज बनाना कल बनाना जब मर्जी बनाइए और चलाइए और दूसरी बात जहां उनको इस तरह की वो अपने उनकी घर की लड़ाई है और अपने घर की लड़ाई को आ, अपने आप जाहिर कर रहे हैं तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है और आखिरी सवाल अब आ, विपक्ष में रहकर आप किस तरीके से हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए आप कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करके किस तरीके से आगे प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे हिमाचल हमारे हिमाचल का हित हमारे जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है हम हिमाचल के, के लिए हिमाचल के विकास के लिए हिमाचल की अस्मिता के लिए हिमाचल के विकास के लिए जो भी हमारे में शक्ति है उस शक्ति को पूरा लगाएंगे पूरी ताकत के साथ